world of well-being. हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपली हेल्थ। सिंपली हेल्थ के इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात होती है डॉक्टर अली से, जो कि आपको बताते हैं, आपके जवाब देते हैं, यानी उन प्रॉब्लम्स के जो कि आप हमें भेजते हैं, और ऐसे आप हमें भेजते रहिए। लेकिन आइए पहले सबसे वेलकम करते हैं डॉक्टर अली को। हेलो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि हमारी इन जो है, जो हमारी अगली व्यूअर हैं जिन्होंने हमें लिखा है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है डार्क सर्कल्स का अंडर योर आईज। तो ये मैं वैसे पूरी डिटेल आपको देती हूँ कि वो क्या कह रही हैं, बट ये बहुत ही प्रॉब्लम है, हम बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। आई एम इन माई लेट 20s एंड हैव वेरी डार्क सर्कल्स अंडर माई आईज, एंड बिकॉज आई एम क्वाइट फेयर दे आर मोर प्रोमिनेंट। आई एम अ बिट वरीड अबाउट यूजिंग सम क्रीम्स एज आई नो द स्किन अंडर द आई इज क्वाइट सेंसिटिव। व्हाट कैन आई डू टू रिमूव द डार्कनेस? रिमूव द डार्कनेस, इसका मतलब शी इज क्वाइट डेस्परेट एक्चुअली। नहीं, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप किसी रिश्तेदार को जो बहुत दिन से नहीं मिले, अगर डार्क सर्कल देखते हैं, क्या आप बीमार तो नहीं हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दुख तो नहीं दे रहा, इस टाइप के। सो ये जो है आपको आंसर दे देती है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो, रात को नहीं सो रहे हो, और कोई बीमारी हो, कोई डेफिशिएंसी हो, तभी ये होता है। ऐसा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो जो जहाँ से मतलब स्ट्रेस से जो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वो पिगमेंट सिक्रीटिंग हॉर्मोन्स भेजते हैं। वो चीज़ चाहे आपके आँखों के चारों तरफ हो, या फेस में हो, या बैक में हो, या यहाँ फोरहेड में हो, ये पिगमेंटेशन बढ़ जाती है काली से। अब ये है, सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि क्योंकि ये थिन एरिया होता है तो इसमें ज्यादा नजर आती है, ये ना ब्लू आपके आर्टरी जो वेन्स होती हैं वो भी ज्यादा, इसलिए भी डार्क हो सकता है। नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप रात को ठीक से नहीं सोते हैं और बहुत सारे परेशानी होते हैं, तो बार बार इस एरिया को आप यूज कर रहे हैं, तो उससे भी काला पन पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कोई बीमारी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, कि कोई क्रॉनिक बीमारी कहीं है, कि पीरियड्स की कोई तकलीफ है, नींद की, कोई स्ट्रेस की, इन सब बीमारी को आप डॉक्टर से सलाह लेके उसको तो पहले ठीक करो। क्योंकि लोकल शी इज ओनली लाइक इन हर 20s एंड इफ शी हैज गॉट दिस प्रॉब्लम दैट इट मींस दैट देयर इज समथिंग डेफिनेटली प्रॉब्लम हो गई। पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकता है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, पीरियड्स ज्यादा हो रहा है, तब भी आंखों में ये पड़ेंगे। अच्छा, कोई तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स है, जैसे कि ये गाजर का यू नो आंखों के लिए कैरेट जूस, और जैसे जिंजर के साथ मिला के आप रोज लीजिए, ये बहुत जरूरी है। जिंजर डॉक्टर साहब आपकी बड़ी लगता है फेवरेट मेरी तरह है, क्योंकि टोन आई नो इट्स गॉट सो मेनी प्रॉपर्टीज, हेल्प गिविंग प्रॉपर्टीज। अरे गार्लिक जिंजर में जो प्रॉपर्टीज है बहुत सारे दवाइयों में भी नहीं, आर्थराइटिस के लिए अच्छा है, आपके आपके स्टमक के लिए अच्छा है, आपके गले के लिए अच्छा है। गार्लिक जिंजर ये सब तो पुरानी चीजें हैं जो उसमें बहुत, ये पर डॉक्टर को पता होना चाहिए कब और कहाँ इस्तेमाल करें, यही खास बात होती है। तो ये सब करने के बाद कुछ सिंपल है, आई क्रीम्स वगैरह जो है ये आप रात को अप्लाई करें। अच्छा, बल्कि ऐसे बहुत ज्यादा खींचे नहीं, बल्कि ऐसे खींचे नहीं, हल्का से ऐसे करके, हल्का से ये करके मसाज आप कर सकते हैं। दूसरा है ये है कि पाम्स को आप रब करिए, खूब रब करके जब गर्म हो जाते हैं ना, उसको हल्का से आंखों के ऊपर ऐसे वहां पे सर्कुलेशन जाएगी। फिर आप 3-4 मिनट बैठे बैठे ये आप कर सकते हैं। फिर ये सवेरे उठ के कोल्ड वाटर से आँख को स्प्लैश करिए। सबसे पहले ये करते ही थे जब आँख नहीं खुल रही, सबसे पहले फ्लैश करें। अच्छा, और एक बात बहुत अच्छा ही होता है कि आँखों की जितने सारे एक्सरसाइजेज है, जैसे कि आप आँख को ढक दिए, अंधेरे में देखने लगे, खोल दिए लाइट में देखने लगे, इस टाइप की आंखों के जितनी सारी एक्सरसाइजेस भी है वो भी करना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, कई लोगों को इनहेरिटेंस के तौर पे भी तो है ना, कि कई लोग जो है दे आर इनहेरिटेड विद ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो, बिकॉज़ उनकी कईयों के डार्क सर्कल्स होते ही हैं। हां, होते हैं, नहीं क्योंकि उनके या तो पेरेंट्स भी उसी टाइप के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन थे, क्योंकि हर चीज के बॉडी के लिए कुछ ना कुछ तो कारण हो गए। आपको सिर्फ पता करना है कि क्या कारण है, और उस कारण को ये करके टारगेट करके अगर आप इलाज करें तो इतनी
बेहतरीन तो बढ़िया रिजल्ट्स आएगा, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। और ये था लेटर प्रीति कपाडिया से, लंदन से, तो हमने उनका नाम भी अभी नहीं बताया था। तो प्रीति कपाडिया, आई होप दैट यू विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम डॉक्टर अलीज एडवाइस एंड विश यू लक। और ये आपको फिर से रिमाइंड कराते जाते हैं जो हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं या जो पॉइंट्स हैं जिसका ख्याल रखें, तो कॉफ़ी और एल्कोहल आप कम से कम यूज़ कीजिए, नेक और शोल्डर का मैसाज जो है वो आपके जो ब्लड है ब्रेन में उसको फ्लो को अच्छा करता है, और सोना जो है ज़रा जल्दी कीजिए एज कम्पेयर टू लेट, बिकॉज 12 बजे से पहले अगर रात के सोएं तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपने बताया था जो कैरेट जूस है, दैट्स वेरी गुड, माय फेवरेट इज वेल, जिंजर के साथ। आई क्रीम, कोई अच्छी सी आई क्रीम जो है वो अप्लाई किया कीजिए। और ये बात हुई, और आर स्किन इज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द हार्श एनवायरनमेंट अराउंड अस, स्पेशली इन द विंटर सीजन। लेट्स जॉइन भारती नाउ, हु इज नाउ गोइंग टू टेल अस हाउ टू रिलीव चैप्ड स्किन विद अ बैग ऑफ ओट्स।